अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अना फातिमा। आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 देखेंगे और जो हो रहा है कंटिन्यू, और उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपकी बुक में जो डेफिनेशंस हैं, जो आपकी बुक में चार्ट बने आएंगे ट्रायल बैलेंस के, बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, वो सब मैं आपको लेक्चर नंबर 10 में भी करवाऊंगी। और आज हम लेक्चर नंबर 10 का हाफ जो है वो भी रीड करेंगे लेक्चर नंबर 9 के साथ ही, क्योंकि वो एक लॉन्ग लेक्चर है और उसमें आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट आएगा और जनरल एंट्रीज बनाने को आएंगी, जनरल्स बनाने को आएंगे। और मैं एज एग्जांपल के तौर पर आपको शीट्स जो है वो बनवाना सिखाऊंगी, और आप प्रैक्टिस जो है वो बुक के टेबल को देखकर आप कीजिएगा। और जहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपसे ना बनाया जा रहा हो, वहाँ पे आप मुझे कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स देख लेते हैं, हमारे पास कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। टेंजेबल एसेट्स और इनटेंजेबल एसेट्स, ये दो क्लासिफिकेशन हैं। टेंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते। आगे एसेट्स की और भी एग्जांपल्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर और बिल्डिंग आते हैं, जो अपनी जगह से मूव नहीं करते, वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स और रियल इस्टेट, जो आपको एक लॉन्ग पीरियड तक के लिए बेनिफिट दें, ऐसे एसेट्स लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। एसेट्स दैट कैन बी रीजनेबली कन्वर्टेड टू कैश विद इन 1 ईयर, जो 1 ईयर के अंदर अंदर आपको कैश में कन्वर्ट करके दे दें, वो एसेट्स करंट एसेट्स होते हैं। इनकी एग्जाम्पल हैं कैश एंड कैश इक्वलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, नोट्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसिस, एग्जाम्पल इंश्योरेंस प्रीमियम दैट हैव नॉट येट एक्सपायर्ड, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। द ईयर इन विच लॉन्ग टर्म एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड, लॉन्ग टर्म एसेट्स इज ट्रांसफर्ड करंट एसेट्स इन दैट ईयर। ऐसे एक्सपेक्टेड, अगर आपको लॉन्ग टर्म एसेट्स एक्सपेक्टेड हों रिसीव के लिए, कि आपको पता चल जाए कि ये वाले एसेट्स हमें इसी साल के अंदर अंदर रिसीव हो जाएंगे, तो यही लॉन्ग टर्म एसेट्स किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, करंट एसेट्स में, अगर उसी साल के अंदर अंदर आपको एक्सपेक्टेड हों रिसीव होने के लिए। अब हम लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लासिफिकेशन है। कैपिटल पहले पढ़ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस हैज अ लाइबिलिटी टू रिटर्न दीज फंड्स टू द ओनर, बिजनेस ट्रीटेड ओनर सेपरेटली एंड इट इज कॉल्ड सेपरेट एंटिटी। देयरफॉर इफ ओनर गिव समथिंग टू बिजनेस, देन बिजनेस नॉट ओनली रिटर्न द अमाउंट टू द ओनर, बट इट आल्सो गिव सम रिटर्न ऑन दैट मनी। दैट्स व्हाई वी ट्रीट कैपिटल एज अ लाइबिलिटी। जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर ने अपनी तरफ से की होती है बिजनेस को बढ़ाने के लिए या बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसको हम कैपिटल कहते हैं, और यही बिजनेस ओनर को जो है वो रिफंड भी करता है जो भी उसने इन्वेस्ट किया होता है, तभी बिजनेस जो है वो ओनर को सेपरेट डील करता है, और वो उस इन्वेस्टमेंट के अलावा भी उसको प्रॉफिट देने का भी जो है ज़िम्मेदार होता है बिजनेस, अगर सक्सेसफुली रन कर रहा है तो। इसीलिए हम कैपिटल को लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी के तौर पर ट्रीट करते हैं। अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द नेट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो बिलोंग टू द ओनर। नेट बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है, और इसका मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी ओनर से बिलोंग करता है। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो तो भी ओनर को प्रॉफिट जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो भी ओनर को ही होता है। इन कैपिटल अ बिजनेस हैज टू गिव रिटर्न टू द ओनर इफ बिजनेस रन सक्सेसफुली फेवरेबल फिगर, बट इफ बिजनेस इज नॉट सक्सेसफुली देन दिस रिटर्न वुड बी एन अनफेवरेबल फिगर, मीन लॉस। अगर बिजनेस सक्सेसफुली रन करता है तो वही बिजनेस ओनर को क्या देता है, रिटर्न करता है, क्योंकि फेवरेबल फिगर में जा रहा होता है। अगर तो सक्सेसफुली रन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वह अनफेवरेबल फिगर में जा रहा है, इसका मतलब है कि ओनर को लॉस होगा। अब हम देखते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं।
लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इफ बिजनेस हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक और एनी थर्ड पर्सन एंड इट इज पेएबल आफ्टर 10 ईयर्स इट विल ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अगर बिजनेस जो है वो बैंक से लोन लेता है और या फिर किसी थर्ड पार्टी से लेता है, तो अगर वो उसको 10 ईयर्स के बाद एक लंबे पीरियड के बाद उसको वापस करता है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। दीज आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस दैट आर पेएबल विद इन 1 ईयर ऑफ द बैलेंस शीट डेट। अगर तो वो 1 ईयर के अंदर अंदर उसको वापस करता है तो वो करंट लायबिलिटीज होती हैं। द ईयर इन विच लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज टू बी पेड बैक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ट्रांसफर टू करंट लायबिलिटी इन डेटर। अगर आप उसी साल के अंदर अंदर उसको बैक कर देते हैं उसी मनी को जो आपने एज अ लॉन्ग टर्म के तौर पर ली होती है, तो वो किस में ट्रांसफ़र हो जाती है? करंट लायबिलिटी, क्योंकि आपने इन दैट ईयर उसको रिटर्न कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारे पास बैलेंस शीट क्या आती है। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज द स्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन मॉनिटरी टर्म एट अ स्पेसिफिक टाइम इन विच एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल आर इंक्लूड्स। एक ऐसी स्टेटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन की मॉनिटरी टर्म दिखाती है स्पेसिफिक टाइम की, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल शामिल होते हैं। बैलेंस शीट में ये तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ शामिल नहीं होती। फॉर्मेट देख लेते हैं बैलेंस शीट का। ये आपके पास फॉर्मेट आ गया है। सबसे पहले आप कंपनी का नेम लिखते हैं, उसके पास बैलेंस शीट, फिर आप डेट डालते हैं। लेफ्ट साइड पर एसेट्स और राइट साइड पर लायबिलिटीज को लिखते हैं। एसेट्स में जितने भी एसेट्स आपके पास होंगे ये एज एग्जांपल के तौर पर लिखे गए हैं, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म एसेट्स, इनके अमाउंट यहाँ लिख दी गई है। इसी तरह लायबिलिटीज़ में सबसे पहले आप कैपिटल को डाल देते हैं। हमने पढ़ा था कि कैपिटल को लायबिलिटीज़ में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद नेट प्रॉफिट यानी कि जो भी आपको प्रॉफिट होता है आप उसको ऐड कर लेते हैं। इनका रिजल्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है। फिर आपके पास जितनी भी लायबिलिटीज़ होती हैं उनको आप ऐड करके यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, और एंड में आपका लायबिलिटीज़ और एसेट्स का जो अमाउंट है वो दोनों इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने बैलेंस शीट जो है वो सही बनाई, अगर आपका रिजल्ट जो है वो एंड का इक्वल आ रहा है। हम थोड़ा सा लेक्चर नंबर 10 भी देख लेते हैं। इसमें एक्सरसाइज आती हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में एक्सरसाइजेस हम करेंगे। अकर्ड मीनिंग एक्सपेंसेस पेएबल। अकर्ड का मीनिंग आपकी बुक में ये वर्ड जो है अकर्ड का ये बहुत दफ़ा यूज़ हुआ है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इसका मीनिंग क्या है। अकर्ड मीनिंग होता है एक्सपेंसेस पेएबल, और ये एक्सपेंसेस पेएबल हम किस में डालते हैं? लायबिलिटी में डालते हैं। जहाँ पर ऊपर लायबिलिटी इसमें क्या आता है, एक्सपेंस पेएबल भी आता है। डेब्टर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अ पर्सन, कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन दैट ओस मनी डेब्टर होता है। अ पर्सन और कंपनी टू होम मनी इज ऑन क्रेडिटर्स होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अज्यूम दैट अ कंपनी बोरो मनी फ्रॉम इट्स बैंक। द कंपनी इज द डेब्टर एंड द बैंक इज द क्रेडिटर। इफ अ मैन्युफैक्चरर सेल्स मर्चेंडाइज टू अ रिटेलर विद टर्म्स ऑफ नेट 30 डेज द मैन्युफैक्चरर इज द क्रेडिटर एंड द रिटेलर इज द डेब्टर। ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन डेब्टर बन रहा है और कौन क्रेडिटर बन रहा है। अब हम देखते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। जनरल एंट्रीज का मीनिंग है रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग पर्पस के लिए जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं बिजनेस की, उसको हम रिकॉर्ड किस में करते हैं? जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज कहते हैं उसको जिसमें आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं कि हमें हमारे माइंड पे क्या चीज़ सेट होती है जब हम कोई शीट बनाते हैं। तो जनरल एंट्रीज को बनाने के लिए हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि जब ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हों, यानी कि एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हों तो वो डेबिट हो जाएंगे। अगर वो डाउन की तरफ आ रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। ऑल लायबिलिटीज एंड प्रॉफिट आर इंक्रीज देन क्रेडिट एंड डिक्रीज देन डेबिट। अगर लायबिलिटीज और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट में शामिल होते हैं, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट में। अब हम इसके एग्जांपल के तौर पर एक एंट्री निकाल लेते हैं। इसमें आपके पास 3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं पेपर में।
ये सारे एक ही लाइन में आते हैं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि सिंपल क्वेश्चंस क्या होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस क्या होते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं और आपने इसको कैसे डेबिट और क्रेडिट साइड पर डालना होता है। सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। परचेसेस ऑफ गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश, मतलब जो नंबर वन क्वेश्चन हमें दिया गया है वो ये दिया गया है। हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये हमारे पास एंट्री है। परचेसेस ऑफ गुड हमने लिए हैं, ये हमारे पास परचेस हमने गुड्स ली हैं तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास गुड्स आ रहे हैं। तो अमाउंट जहाँ पर लिख देंगे, टू कैश, कैश जा रहा है तो हमने क्रेडिट साइड पर कैश लिख दिया। अब हम नेक्स्ट अपना देख लेते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है क्वेश्चन। परचेस ऑफ मशीन फॉर ₹12,000 फ्रॉम आर इन कैश, ₹1,20,000 फ्रॉम आर इन कैश, हमने मशीन परचेस की है तो मशीन परचेस डेबिट में जाएगी और कैश किस में जाएगा, क्रेडिट में जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हमने किस में डाला होगा। जी मशीन अकाउंट क्या हो गया, हमारा डेबिट हो गया और कैश हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब हम आर का भी नाम ले रहे हैं तो आर का भी हमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और आर का जो अकाउंट है वो क्रेडिट में चला जाएगा, यानी कि आर से पैसे निकल रहे हैं। किसको बोरो करने के लिए, किसको परचेस करने के लिए, मशीन को परचेस करने के लिए। तो आर का अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा और मशीन का जो अकाउंट है वो डेबिट में चला जाएगा। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स ₹1,100 इन कैश, हमने गुड्स सेल कर दी, हमने गुड्स को सेल कर दिया तो कैश हमारे पास आना चाहिए। कितने का सेल किया, 1,100 का। तो गुड्स हमारे पास से चली गई, सेल मतलब निकाल दिया हमने, बेच दिया। तो हम देखते हैं हमने इसकी एंट्री क्या की है। ये देखें, सेल अकाउंट आ गया हमारे पास, ठीक है, डेबिट हो गया हमारे पास क्या, जो हमने चीज़ें सेल की हैं हमारे पास डेबिट हो गया और कैश क्या हो गया हमारे पास, सॉरी कैश हमारे पास डेबिट हो गया और ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हो गया और सेल हमारे पास क्रेडिट हो गया। सॉरी मैं फ़ोन नंबर आपको दिखा रही थी, मेरे 3 नंबर देखना था, हमने 3 क्वेश्चन पढ़ा था। 3 क्वेश्चन का कैश अकाउंट जो है वो हमारे पास डेबिट हो गया है और जो सेल अकाउंट है वो क्रेडिट हो गया, ज़रा 1100 तक। 4 क्वेश्चन से जो है वो मॉडरेट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। हम मॉडरेट क्वेश्चन भी इसी लेक्चर में देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू एस ऑफ लिस्ट प्राइस ₹2,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। सोल्ड गुड्स टू एस, हमने एस को गुड्स जो हैं वो सोल्ड आउट कर दी। लिस्ट प्राइस के हमारे पास 2000, एट ट्रेड डिस्काउंट क्या है 10%, इसमें डिस्काउंट का भी रेट डाल रहे हैं इसलिए इसको मॉडरेट क्वेश्चन कहते हैं। तो हमने डिस्काउंट को भी देखना है, डिस्काउंट जब हम किसी को देते हैं तो हमें लॉस होता है और अगर हमें मिलता है डिस्काउंट तो हमें प्रॉफिट होता है। हम इसकी एंट्री भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये देखें, सेल अकाउंट जो हमारा डेबिट हो गया 18,000 और टू सेल जो है वो हमारा क्रेडिट हो गया, ये 18,000 क्रेडिट में आ गया और ये 18,000 आपका डेबिट में आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम के फॉर ₹20,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। पहले तो आप परसेंट को आप कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी आपके डिस्काउंट कर रहे हैं इसमें 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट पे आ रहा है, कैश डिस्काउंट पे आ रहा है। बॉट गुड्स फ्रॉम के, हमने के से गुड्स जो है वो खरीदे हैं तो हमारे पास से कैश जाएगा और गुड्स हमारे पास आएंगी और डिस्काउंट के साथ आएंगे। हम यहाँ पे कैलकुलेशन पहले देख लेते हैं। हमने पहले परचेज अकाउंट जो है वो यहाँ पर ये लिख दिया, ये हमने पिछले क्वेश्चन की कैलकुलेशन की थी।
और यहाँ पर जो हमने इसका केक का जो है हमने पहले डिस्काउंट सारा निकाल लिया है, ये हमारी डिस्काउंट आ गया है 18,060 को मल्टीप्लाई करके ये आपका रिजल्ट आ गया 216। फिर आपने उसको टोटल से माइनस कर दिया, आपको ये आंसर आ जाता है। फिर आपने आपको यहाँ पर डेबिट में क्रेडिट में डाल देना है और फिर आपने 40 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर आपको ये आंसर आ जाएगा। ये 40% आपने के ने आपको डिस्काउंट दिया था। ये कैश का डिस्काउंट है और ये क्रेडिट का डिस्काउंट है। पहले आप डिस्काउंट्स की कैलकुलेशन आप करके यहाँ पर रख लेंगे। ये आपने रफ पेज पे करना है, मैंने आपको इसी टेबल में करके दिखाया। पेपर में आपने अलग से किसी रफ पेज में करना है। पहले आप डिस्काउंट्स को फाइनलाइज कर लेंगे, उसकी कैलकुलेशन करके रख देंगे, फिर आपने उसको डेबिट और क्रेडिट में पुट कर देना है कि के अकाउंट में डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, और आपके परचेज के अकाउंट में डेबिट जा रहा है क्रेडिट जा रहा है, कैश के अकाउंट में डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है। तो इसको जनरल एंट्रीज कहते हैं। तो आपने मॉडरेट क्वेश्चंस तक देख लिया है कि किस तरह आपको डिस्काउंट के साथ एंट्रीज करनी होती हैं। अब आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं और जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।